मेरे पास कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि जो पुली मास सिस्टम होता है उसे जब एलिवेटर में रखा जाता है तो जिस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है उस पे मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आज का ये वीडियो पुली मास सिस्टम पे और वो सिस्टम एलिवेटर पे होगा। मैं पूरा का पूरा वीडियो में कन्वेंशनल तरीका बिल्कुल फॉलो नहीं करूंगा, पूरा का पूरा जो वीडियो होगा यह शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट का मतलब यह नहीं कि आप रट्टा मारेंगे कुछ फॉर्मूला, बिल्कुल नहीं, आप अपने इंट्यूशन से उसे सॉल्व कर सकते हैं और यह बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है इस तरह का सिचुएशन। यहां पर मान ले कि दो मासेस है, एक तो M1 मास है और दूसरा जो मास है ये M2 मास है, ये M1 मान ले M2 से बड़ा है और ये पूरा सिस्टम जो ये मासेस ये बंधा हुआ है और ये पुली से पार हुआ है, पुली सीलिंग से बंधा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये सिस्टम एक एलिवेटर के अंदर है। तो ये है ये एलिवेटर और इसमें हम कुछ एक्सीलरेशन इंपार्ट करेंगे। तो फिलहाल अगर एक्सीलरेशन नहीं होगा इस एलिवेटर में तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ग्राउंड पे है, तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला केस, ये जो केस है केस वन, ये है कि एलिवेटर में एक्सीलरेशन जो है ये एक्सीलरेशन ये जीरो है, एलिवेटर का एक्सीलरेशन जीरो है, जैसे कि ग्राउंड में रखा हुआ होता है सिस्टम तो जैसा होता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या होगा, फिर हम शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा इस मास पे m1g और इस दूसरे मास पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा m2g। लेकिन चूंकि M1 M2 से बड़ा है तो सिचुएशन ये होगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा, M1 नीचे आएगा और M2 ऊपर की तरफ जाएगा। और हमने मान लिया ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन A है, तो ये A होगा किसके बराबर। तो यहां पर देखें, चूंकि एक्सेलरेशन ऐसा है जिसे कि बना रहा M1g और इसे रेजिस्ट कर रहा है M2g, M1g नीचे की तरफ है ना, ये इस बॉडी को नीचे ले जाना चाहता है और ये बॉडी सही मायने में नीचे जा रहा है, मतलब M1g इस एक्सीलरेशन को क्रिएट कर रहा है और ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर भी जा रहा है ये M2। लेकिन ये जो M2g है देखिए, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड है, तो M2g यहां पर निगेटिव काम कर रहा है, ये रोक रहा है सिस्टम को। तो उस हिसाब से देखें तो ये पॉजिटिव काम कर रहा है, ये निगेटिव काम कर रहा है। तो नेट फोर्स अगर यहां पर आप देखेंगे तो सिंपल इस तरह के सिचुएशन में हम कह सकते हैं नेट फोर्स जो होगा, ये नेट फोर्स ये बराबर होगा किसके, देखे M1g माइनस M2g, ये इस पूरे सिस्टम में लग रहा है और इस पूरे सिस्टम के एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक्सीलरेशन को बना रहा है और ये एक्सीलरेशन को बिगाड़ रहा, घटा रहा है। तो ये तो नेट फोर्स हो गया। तो अगर हम एक्सीलरेशन पता करें इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम में इतना नेट फोर्स है, इस पूरे सिस्टम का जो नेट मास है ये M1 प्लस M2 है। देखिए M1 को भी A एक्सीलरेशन मिला, M2 को भी A एक्सीलरेशन मिला, दोनों को A एक्सीलरेशन मिल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं M1 और M2 का एक सिस्टम है, एक ही बॉडी हम मान सकते हैं जिसे कि A एक्सीलरेशन मिला। तो यहां पर एक्सीलरेशन A जो होगा हम कह सकते हैं नेट फोर्स जो कि है M1g माइनस M2g डिवाइडेड बाय नेट मास जो कि है M1 प्लस M2। तो इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां से g को कॉमन आउट कर ले और यहां M1 माइनस M2 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये तो हो गया एक्सीलरेशन जब ये एलिवेटर रुका हुआ है तब। लेकिन अब मान ले कि ये एलिवेटर ये रुका हुआ नहीं है, ये केस टू है, ये रुका हुआ नहीं है, यहां सर्टेन एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने मान लिया कि इस पूरे एलिवेटर पे एक एक्सीलरेशन है, ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा, मान ले ये अभी फिलहाल ऊपर की तरफ चढ़ रहा और किस एक्सीलरेशन से, चलिए ये ओमेगा एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ चढ़ रहा। तो इस केस में अगर मान ले कि आप अगर एलिवेटर में रहते हैं तो आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, एलिवेटर ऊपर की तरफ चढ़ रहा एक सर्टेन एक्सीलरेशन से, ओमेगा एक्सीलरेशन से, तो आपको क्या लगता है कि आपका वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ गया मतलब जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप पे एक्ट करता है जी, एपरेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानो बढ़ गया है, इसीलिए आप पे ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है ये स्यूडो फोर्स के कारण होता है। अगर आप स्यूडो फोर्स का वीडियो देखे हैं तो समझना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये स्यूडो फोर्स के कारण होता है, आप एक्सीलरेटेड है ऊपर की तरफ तो आप फील करते हैं आपका वजन बढ़ गया,
आपका जो एपरेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मानो वो बढ़ गया जब आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो यहां पर अब आप पे जो एपरेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा यहां पर ये जी नहीं होगा बल्कि जी प्लस ओमेगा होगा, और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो जी माइनस ओमेगा होगा एपरेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचे, आप अंदर है आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अब सोचे, जब रुका हुआ था जब इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था तब ये जो एक्सीलरेशन बन रहा था इतना बन रहा था, अब आपका इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नहीं है जी प्लस ओमेगा है, तो फिर इस जी के जगह जी प्लस ओमेगा लिखे, जी सब्स्टिट्यूटेड हो गया ना जी प्लस ओमेगा से, तो जो फॉर्मूला है वहां पर भी जी सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा जी प्लस ओमेगा से। तो यहां इस केस में जो एक्सीलरेशन बनेगा, चलिए मैं इसे ए डैश्ड मान लेता हूं, और ए डैश्ड किसे दिखेगा, कोई अगर बाहर है एलिवेटर के तो इसे नहीं दिखेगा बल्कि अंदर वाले को दिखेगा ये, क्योंकि अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम ये बात कर रहे हैं। सो अंदर वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो एक्सीलरेशन दिखेगा वो एक्सीलरेशन अब बराबर होगा इस जी के जगह जी प्लस ओमेगा, और बाकी जो था वही एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो ये तो हो गया एक्सीलरेशन इस पूरे सिस्टम का, और वो दिखेगा किसे, इसको दिखेगा, इसको दिखेगा अब ये जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ये ए डैश्ड एक्सीलरेशन से, और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये ए डैश्ड एक्सीलरेशन से। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो एक्सीलरेशन होगा सिस्टम का वो इतना होगा, लेकिन वही अगर बाहर वाले के रेस्पेक्ट में बात करें तो आपसे अगर पूछ लिया जाए सवाल में कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन क्या है पूरे सिस्टम का, तो ध्यान से देखिए पूरा का पूरा एलिवेटर, ये पूरा सिस्टम ओमेगा एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ रहा है, और अंदर वाले को ये दिख रहा है कि ए डैश एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ रहा, तो बाहर वाले के रेस्पेक्ट में, बाहर वाले के रेस्पेक्ट में ये जो एक्सीलरेशन होगा, ध्यान से सोचिए ये बॉडी इसी के रेस्पेक्ट में ए डैश्ड एक्सीलरेशन से ऊपर तो चल ही रहा है, साथ ही साथ पूरा का पूरा फ्रेम ओमेगा एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसका मतलब इसे जो दिखेगा ये होगा ए डैश्ड प्लस ओमेगा इसका एक्सीलरेशन। उसी तरह से इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, देखिए वो एक्सीलरेशन यहां से बाहर वाले को जो दिखेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो दिखेगा वो होगा, ये डिपेंड करेगा ओमेगा बड़ा होगा या ए डैश्ड बड़ा होगा। तो वो अगर मान ले हम नीचे की तरफ कह रहे हैं, अगर मान ले हमें कहना है कि ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सीलरेटेड है तो नीचे की तरफ इसका एक्सीलरेशन होगा ए डैश्ड माइनस ओमेगा, क्योंकि ए डैश्ड ये नीचे चल रहा है इसके रेस्पेक्ट में लेकिन ये खुद ऊपर चढ़ रहा है। यहीं पर अगर आपको ये वैल्यू निगेटिव दिखे, अगर इवेल्युएट करने के बाद आपको मिला मान ले नेगेटिव वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने कंसीडर किया नीचे की तरफ इतना एक्सेलरेशन जिसका कि वैल्यू नेगेटिव आया, तो समझ जाए कि ये बॉडी भी ऊपर चढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि इस पूरे पूरे एलिवेटर में एक्सेलरेशन है इसके कारण हो रहा, हो ही सकता है ऐसा। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन किसी भी रेस्पेक्ट में आपसे पूछा जाए, तो टेंशन भी तो पूछा जा सकता है। तो अगर मान ले टेंशन पूछ लिया जाता तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि अगर यह रुका हुआ रहता, अगर इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, ये ओमेगा अगर जीरो होता तो टेंशन कितना होता। अगर ऐसा सिचुएशन होता तो यहां पर किसी भी एक बॉडी को कंसीडर करें, चलिए इसे कंसीडर कर लेते हैं, तो इसे कंसीडर करते हुए हम कहेंगे इसे इसे इस पे नीचे की तरफ फोर्स इतना लग रहा था, एलिवेटर रुका हुआ, मैं फिर से कह रहा हूं नीचे की तरफ इतना फोर्स लग रहा था एम टू जी, लेकिन टेंशन इस पे ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा टी, जो कि इस पे भी करेगा ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिंग अगर मासलेस हो तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट में जो टेंशन होता है वो बराबर होता है। मासलेस कहने का मतलब प्रैक्टिकली पूरी तरह से मासलेस नहीं होता है, यह नेग्लिजिबली स्मॉल मास का होता है जिसे कि हम इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो टेंशन इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, इसे अगर छोड़ दिया जाता तो एम टू जी इस पे एक्ट करता फोर्स और ये पूरा का पूरा बॉडी नीचे आता, लेकिन इसमें अभी टेंशन एक्ट कर रहा है इसीलिए तो ये ऊपर चढ़ रहा है, अभी रुका हुआ है तो ए डैश एक्सीलरेशन नहीं ए एक्सीलरेशन होगा, ध्यान रखे क्योंकि ये रुका हुआ है इतना एक्सीलरेशन होगा इतना। तो फिलहाल अभी टेंशन ऊपर की तरफ है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि टेंशन माइनस एम टू जी, ये नेट फोर्स लगा ऊपर की तरफ जिसके कारण कि इसमें इतना एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा, तो हम कहेंगे एम टू इंटू
एम वन माइनस एम टू, ये एक्सेलरेशन, इंटू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो ये तो हो गया इसका इक्वेशन। देखे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे टी का जो वैल्यू होगा ये होगा टू इंटू एम वन इंटू एम टू इंटू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो ये तो होगा इस स्ट्रिंग में, इस पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो। कभी कभार सवाल में ये टेंशन भी पूछ लिया जाता है कि ये जो अभी यहां ये जो सस्पेंडेड है पुली, जिससे भी अगर रॉड से है या फिर स्ट्रिंग से है, जिससे भी है, तो यहां कितना टेंशन होगा। तो यहां जो टेंशन होगा वो ये वाला टेंशन देखे टी, और यहां भी टेंशन होगा टी। तो ये जो रोप है इस पुली को नीचे की तरफ और यहां से भी नीचे की तरफ, दोनों तरफ से टी टेंशन से खींचेगा, क्योंकि रोप के हर एक पॉइंट में टेंशन बराबर होगा। इसका मतलब 2t, ये t डैश 2t के बराबर होगा। आप इवेल्युएट कर ले, इसका दुगना होगा टेंशन इस स्ट्रिंग में। सो 4 इंटू एम वन इंटू एम टू इंटू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो ये तो हो गया इस केस में टेंशन। लेकिन एलिवेटर जब एक्सिलरेटेड रहेगा, इसमें जीरो एक्सिलरेशन नहीं होगा, सर्टेन एक्सिलरेशन रहेगा ओमेगा, तब क्या करेंगे फिर? तब ये टेंशन कितना होगा, इस रस्सी वाला टेंशन, ये वाला टेंशन कितना होगा फिर? यहां से देखे सेम लॉजिक लगाएंगे, जहां जी है वहां जी प्लस ओमेगा लगा देंगे। तो यहां पर इस केस में जो टेंशन होगा ये होगा टू इंटू एम वन इंटू एम टू इंटू जी प्लस ओमेगा, और अगर एलिवेटर नीचे जाता तो जी माइनस ओमेगा, और डिवाइडेड बाय यहां से देखिए एम वन प्लस एम टू। और अगर यहां पर टेंशन पूछा जाता तो फिर इसका दुगना होता, फोर इंटू एम वन इंटू एम टू इंटू जी प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो इस तरह से हम इसे शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका फायदा यही है कि अगर ये अप्रोच नहीं होता, कन्वेंशनल अप्रोच होता, तो बहुत बहुत सारे इक्वेशंस आपको कंसीडर करने होते, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस। जब एच सी वर्मा का जो रेगुलर सॉल्यूशन मैं अपलोड करता हूं उसमें इस तरह के सवाल है जिसे कि कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व किया गया, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं कि हम इसे कन्वेंशनल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और ये तरीका अगर आप एक बार अक्वायर कर लिए तो आप खुद बोले क्या ये 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व नहीं हो सकता है? आप तो ये सारे चीजें लिखेंगे नहीं ना, आप तो यहां जो पहुंचेंगे वो तो इमीडिएटली पहुंचेंगे यहां पर। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम वन इंटू जी माइनस एम टू इंटू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, यहां तो डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे। और अगर एक्सिलरेशन रहा तो जी के जगह जी प्लस ओमेगा सब्स्टिट्यूट करने में आपको कितना समय लगेगा? थोड़ा सा इक्वेशन यहां पर लगता है, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय लगेगा, और वहां से यहां आने में आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। तो फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।